अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? खैरियत से? इट इज़ जीबी पावर। ये आप देख रहे हैं जॉन डियर 3029, ठीक है, नॉन टर्बो। इसका टाइमिंग के बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा कि इसका टाइमिंग कैसे एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जॉन डियर के ही उसके ऊपर मेथड तरीके के ऊपर, ठीक है। अब ये इसका फायरिंग आर्डर पहले आप याद कर लें कि हर तीन सिलेंडर का फायरिंग आर्डर एक तीन दो नहीं होता, ठीक है। इसका फायरिंग आर्डर है 1 2 3, 1 2 3, ये तीन सिलेंडर है, 1 2 3। उसका हम टेम्परेचर रखते हैं, वायरलेस रखते हैं 0.13 mm और 0.45 mm, जैसे हीनो का होता है, 7D 7C 1K, इनके टेम्परेचर होते हैं इस पर, ठीक है। ये टेम्परेचर रखने हैं इसके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो जगह है ये, या ये अब ये पिन डाली, ये मैंने पिन लॉक कर दी, यानी सेंटर पे लाया हुआ हूँ मैं। ये देखिए, हिलाऊँगा इंजन को, घुमाऊँगा ये इंजन को, ये बोल्ट को देखिएगा, ये बोल्ट ऐसे लॉक करना है। अगर पंप की, पंप और कैम की टाइमिंग माननी है, पंप और कैम की टाइमिंग एक पे रख के नहीं बांधनी, एक पे भी रख के बांध देते हैं हम, सही है। और ये असल में ये तीन से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3, यानी कि फायरिंग आर्डर इसका जो है 1 2 3, तो 1 2 3, तो तीन से जॉन डियर ने दिया है, 6 सिलेंडर का 6 से दिया है और 4 सिलेंडर का 4 नंबर से दिया है कि 4 नंबर फायर पर होगा तो पंप को 4 नंबर पर रख के लगा देना, 6 नंबर जो है पंप स्टैंड लाइन गैस का जॉन डियर का, ठीक है। वो 6 यानी कि मार्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ, जो गियर पे मार्किंग होती है वो मार्किंग ये है। अब ये देखिए मार्किंग है, ये 3 नंबर, अभी ये मैंने 3 नंबर पे रखा हुआ है, ये 3 नंबर है, ठीक है। इस पर एक लकीर और ये इधर आएगा, ये 6 नंबर, ये आएगा यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। जो जो इंजन है 3 4 6 जॉन डियर ने आखिर से दिया, यानी कि फायर एंडिंग पे दिया है, पहला रेडी होता है और आखिरी जो फायर कर चुका होता है तो उसके ऊपर है इसका। और यहाँ से ये आपने कार्टर जो है, टाइमिंग की कार्टर जो है, इस टाइम ये 3 नंबर सिलेंडर जो है वो फायर पे है, ठीक है, इस पोजिशन में। और उसके बाद आपने कैम का जो मार्क है, कैम पे ये मार्क है, ये एरो लकीर है, ये दिखाता हूँ, ये लकीर ओरिजिनल कंपनी की है वो ये है। तो आपने क्या करना है, ये मैंने सिंपल सा वेल्डिंग का राड जो है, वेल्डिंग का राड बनाया हुआ है, ठीक है, वेल्डिंग का राड, इसको रख के, वैसे जो मैं खुद कर सकता हूँ वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन जो लोगों को इलम फैलाना, लोगों में अवेयरनेस डालनी है काम के तरीके की, टाइमिंग की, टैपर्ट की, फायरिंग आर्डर की, तो उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनके इलम में इजाफ़ा हो। बाकी प्यारे दोस्तों, मुझे किसी मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी उसकी क्या नाम है गियर की जो है ना टेंशन नहीं है कि इसके, मैं दांतों से गिन के फायरिंग आर्डर बना देता हूँ, लगा देता हूँ, जो इन कंपनी का जो फार्मूला है, ठीक है। बहरहाल वो बहस लंबी हो जाएगी, तो आपने इसको रखना है यहाँ पर, ये आपने रखना है यहाँ पे। मैं मोबाइल थोड़ा हल्का हो गया, पीछे पिन लॉक है फ्लाईव्हील में, और 3 नंबर परसेंट आप पे, 1 नंबर नहीं, और आपने पंप की टाइमिंग परफेक्ट माननी है और केम की। तो ये देखें, ये है कार्टर, क्रिंग की कार्टर, ठीक है। इसका ये बिल्कुल सेंटर होगी, ये सेंटर देखें, बिल्कुल सेंटर आ रही है, ये सेंटर है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है, सेंटर सीधी रख के, कार्टर के सेंटर में रख के, कार्टर के कोने में रख के आपने सिर्फ इस जगह पर रखना है। ये जो होल है ना, ये होल कैम का, ये निशान आपको इस पे दिखना चाहिए, मैंने यहाँ से नीचे रखी हुई है कार्टर के ऊपर, सही है। और यहाँ पे ये नहीं कि ये बीच में आए, ऐसे नहीं आए, जो कैम के बीच का सुराख है इसमें ऐसे नहीं आए, आपने ये निशान है और ये आपने रखनी है ऐसे, ये आपको दिख रहा निशान और ये आया उसके मुंह के ऊपर, सही है, ये आपने रखनी है ऐसे, ऐसे ही आपने
इसको मूव करना है इधर सेंटर में रख के, ये सेंटर में ही है। मैं वी बनाना चाह रहा था तो वी बनानी, और ये आ रहा है यहाँ पे पम का तीन नंबर पे, पम का तीन नंबर आपको नज़र आना चाहिए। ये है इसका टाइमिंग, सही है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है। जी कंपनी की मार्किंग है इसके ऊपर, सिर्फ आपको पता होना चाहिए पॉइंट का, निशान नहीं भी है तो टेंशन नहीं है। अगर आप फायर करा एक नंबर को फायर कराते हो, अब दूसरा तरीका, आप एक नंबर को फायर करवाते हो तो आपकी जो पम की काटर है वो नीचे आएगी, बिल्कुल ऊपर आएगी स्टेट, ये स्टेट आएगी काटर जो यहाँ पे एक नंबर की स्टेट आएगी, सही है। तो हम जेन्युइन पे बांध रहे हैं ताकि लोगों को समझ आए। अब इसका मैं इंजन रोटेट कराता हूँ, इंजन घुमा, पिन निकालो, ये पिन निकाल, ये मैंने घुमा इंजन यार, ये बच्चा इंजन घुमाएगा, ये मैंने पिन निकाली, इंजन घुमा। अब जो है टैपर्ड करने हैं इसके, टैपर्ड का बता रहा हूँ आपको मैं, ये पिन फिर दबाऊंगा अंदर, पिन फिर दबाऊंगा, ये पिन दबाऊंगा, पिन अंदर पुश घुमा घुमा, ये पिन अंदर लॉक होगी तो टैपर्ड करने हैं इसके, बस पिन अंदर गई, इंजन लॉक हो गया। अब बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक नंबर का आप टैपर्ड करेंगे, सही है, एक नंबर का टैपर्ड करेंगे, 30-45 या 30-40 रख लें एक नंबर, सही है। उसके बाद आपने एग्जास्ट का टैपर्ड करना है, एग्जास्ट का, ठीक है, और साथ ही आप इनटेक का भी कर लोगे, सही है, तीन नंबर का इनटेक का। अब फिर मैं इंजन रोटेट कराता हूँ, घुमा इंजन, ये निकाली पिन, बच्चा इंजन घुमा रहा है, यानी कि दो राउंड में सब इंजनों के टैपर्ड हो जाते हैं इजीली। ये पिन लॉक होगी अभी सेकंड टाइम, यानी कि फर्स्ट, ये सेकंड टाइम। अब आपने तीन नंबर का टैपर्ड करना है, सही है, उसके बाद दो नंबर का आपने इनटेक करना है, आपके टैपर्ड हो गए पूरे। ये टाइमिंग का और फायरिंग ऑर्डर का और टैपर्ड वालेश का तरीका था जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये वीडियो इंशाल्लाह इलम फैलाने के लिए बनाई है जीबी पावर ने, और ये इंशाल्लाह इंजन टच स्टार्ट है, वन टच स्टार्ट है, ये है इसका तरीका, आप समझ गए होंगे गालिबन। जॉन डियर कंपनी ने इंजन ऐसा कि बनाया कि टाइमिंग एंड से बांधी है, तीन नंबर से, चार नंबर सिलेंडर की चार नंबर से, और छः नंबर की छः नंबर से, यानी कि उलझाया है मैकेनिकों को, लेकिन जो समझदार है मैकेनिक वो उलझते नहीं हैं, वो काम कर जाते हैं। और मैंने कंपनी के तरीके से भी बांधी है और फायर करा के भी बांधी है, दोनों तरीके से बांधी है, तीसरा विदाउट मार्किंग आँख से देख के भी बांधी है। तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं होती किसी भी इंजन में, लेकिन ये जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है, मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके इलम में कमी है, उनके इलम में इजाफा हो। छः सिलेंडर हो, आठ सिलेंडर हो, कोई सा भी इंजन हो, टाइमिंग के अंदर मेरे को बहुत अल्लाह ने इलम नवाजा है, महारत है मुझे, भले वो EU वाले इंजेक्टर हो, कोई भी इंजन हो, तो मैं सब पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं मरने से पहले, कहने का मकसद ये है कि इलम फैला जाऊँ, अपने साथ लेके नहीं जाऊँ जो कुछ भी मेरे पास है। जजाकल्ला।